यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम आदमी ने आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी 10 सीटों पर अपने विधायकों को प्रभार सौंप दिया है। बीजेपी ने भी अपनी ओर से विधायकों को सीटों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी की ओर से उन्हें दायित्व दिया गया है। ये सभी विधायक जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर अभी से मेहनत में जुटेंगे और एनडीए के उम्मीदवारों को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की ओर से किस विधानसभा सीट पर किस विधायक को जिम्मेदारी सौंपी गई है, आइए जानते हैं। चोरी चोरा से विधायक इंजीनियर सरवन निषाद को माजवा विधानसभा, सुल्तानपुर सदर से विधायक राज बाबू उपाध्याय को कटहरी विधानसभा, करछना से विधायक पीयूष रंजन निषाद को फूलपुर विधानसभा, मेहदावल से विधायक अनिल त्रिपाठी को मिल्कीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ज्ञानपुर से विधायक विपुल दुबे को कुंदरकी विधानसभा, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी को मीरापुर विधानसभा, तमकुही राज विधायक असीम राय को गाजियाबाद विधानसभा, खंडा विधायक विवेकानंद पांडे को खैर विधानसभा, शेगंज विधायक रमेश सिंह को करहल विधानसभा और वास डी से विधायक केतकी सिंह को सीसामाऊ विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जिन सीटों पर उपचुनाव होना है इसका ऐलान निर्वाचन आयोग की ओर से कभी भी किया जा सकता है। ऐसे में हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। अभी से तैयारी का फायदा आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से मजबूती से जुटी हुई हैं।